महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जबरेश्वर सेना द्वारा एक विशाल जुलूस स्थायी समिति विहार कॉलोनी से प्रारंभ होकर चमन चौराहा, इंदौर नाका, बस स्टैंड, बड़ चौक, लोहार पट्टी तक पहुंचा। देवी मंदिर के पीछे स्थित मैदान पर आम सभा में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा अभिषेक किए जाने वाले स्थान पर 20-20 की संख्या में लोगों को छोड़कर अभिषेक करवाया गया। इस मौके पर पुलिस व्यवस्था पूरे नगर में चाक चौबंद रही। पूरे कार्यक्रम पर स्थानीय थाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी अन्य थानों से पुलिस बल बुलवाया गया था। पूरी स्थिति पर DIG चंद्रशेखर सोलंकी, SP ग्रामीण भगत सिंह वीरदे, स्वयं SDM रवि कुमार सिंह, तहसीलदार नायब तहसीलदार उपस्थित होकर पूरे कार्यक्रम पर नजर रखे हुए थे। SDOP अनिल सिंह चौहान, थाना प्रभारी मीना कर्णावत ने मोर्चा संभाल रखा था। आम सभा को विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मार्गदर्शक ने भी संबोधित किया। इस जुलूस में भगवान शंकर की पालकी के साथ बैंड बाजे, ढोल ताशी, DJ पर युवक युवतियां भजनों पर थिरक रहे थे। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जबरेश्वर सेना के कार्यकर्ता लगातार हर शिवरात्रि पर, जो जबरेश्वर महादेव है, देपालपुर नगर में स्थित है, जहाँ आज नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं होती है और महाशिवरात्रि को एक दिन पूजा करते हैं, उसके लिए देपालपुर तहसील के प्रत्येक गांव-गांव तक हमने अभियान चलाया था और प्रत्येक हिंदू तक हम पहुँचे और सभी हिंदू भाई बहनों को यहाँ निमंत्रित किया था और जबरेश्वर महादेव की पूजा पाठ करने के लिए आमंत्रित किया था। जबरेश्वर महादेव के मंदिर को लेकर आपका क्या प्रोग्राम है? जबरेश्वर महादेव के मंदिर को लेकर जब तक जबरेश्वर महादेव का जीर्णोद्धार नहीं हो और वहाँ जबरेश्वर महादेव विराजमान नहीं हो और उनका नियमित पूजा पाठ नहीं हो, जब तक जबरेश्वर सेना उसके लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। आपका नाम? राजेंद्र चौधरी। धन्यवाद।